डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहलों का जली विलयन विद्युत का कुचालक होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। आपको ये बताना है कि अल्कोहल को जल में घोलते हैं तो उसका उसके बाद उसमें करंट पास करते हैं, तो करंट पास नहीं होता है बल्कि ये विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा क्यों? बात समझ आई ना? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो, अच्छा एक बात ज़रा यहाँ पर देखो। यहाँ पर जैसे इसको मैंने मान लिया कि एथेनॉल मैंने यहाँ पर ले लिया, एथिल अल्कोहल मैंने यहाँ पर ले लिया, और इस एथिल अल्कोहल से भी मैं आपको सारे अल्कोहल बता दूंगा, और आपको क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको ज़रा खोलें, ओपन करें, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2OH। अच्छा, ज़रा और ओपन कर लो, तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ये इससे लगा हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर मैं आपसे बंध की बात करूँ तो आप कहेंगे सर सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, एकल बंध हैं। सारे के सारे क्या हैं? एकल बंध हैं, और इन एकल बंध को आप नाम देते हैं क्या हैं? सिग्मा बंध। अच्छा, फिर मैंने क्वेश्चन बोला क्या ये सहसंयोजक बंध हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि ये सहसंयोजक बंध जो होते हैं, सहसंयोजक बंध हैं ये बिल्कुल। काहे के लिए? क्योंकि ये जो है वो अतिव्यापन से बना हुआ बंध है। कार्बन के कक्षकों ने अतिव्यापन किया है और उस अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ है। अच्छा, अब जरा इसको जल में घोलें तो क्या होगा? तो जल में घोलने पर ऐसा होता है कि C2H5 और या ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन, यहाँ पर ये है वो हाइड्रोजन जो होगा वो कैसा विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जैसे इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाता है, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश। और ये जल का अणु जो है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी यही कहानी है कि ये भी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से लगा हुआ है, इसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक धनावेश, इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश। इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक ऋणावेश बढ़ जाएगा और इसके ऊपर भी आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब इसकी वजह से यहाँ पर ये क्या करेगा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाएगा। क्या बना देगा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। और इस अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से अल्कोहल जो होता है वो जल में विलेय भी होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अल्कोहल जल में क्यों घुलनशील होता है? तो अल्कोहल जल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसकी वजह से ये घुलनशील होता है। अब मुद्दा तो ये है कि विद्युत का कुचालक बताना है कि ये विद्युत का कुचालक क्यों होता है। तो आप ज़रा एक बात समझो, मान लो कि ये बीकर में है, आपने अल्कोहल और जल दोनों ही यहाँ पर रख दिए और यहाँ पर इलेक्ट्रोड को पास किया, तो यहाँ पर ये जो है वो करंट जो है वो नहीं दिखा दे रहा है जो सोचना चाहिए, जो सोचा गया। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में करंट जो होता है वो आयन की वजह से पास होता है।
किसकी वजह से होता है? आयन की वजह से। अगर आप विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा जो होती है वो आयन और इलेक्ट्रॉन की वजह से पास होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ना तो आयन का होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर ये कोई आयन का निर्माण नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो कोई भी आयन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा क्या, एक यौगिक है ये, ठीक है। यौगिक जो है वो पोलर जरूर है, यौगिक जो है वो ध्रुवित जरूर है, लेकिन यहाँ पर आयन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण नहीं कर रहा है। और जब आयन इलेक्ट्रॉन का निर्माण जो होगा वो नहीं होगा, यहाँ पर आयन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण नहीं होगा, तो फिर विद्युत धारा का प्रभाव जो होगा वो भी नहीं होगा। तो विद्युत धारा जो होगी उसका प्रभाव भी नहीं होगा, और विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा तो फिर ये कैसा हो जाएगा, विद्युत धारा का कुचालक हो जाएगा। बातें समझ में आई ना? तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल, एल्कोहलों में अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं, तो अगर मैंने एथिल एल्कोहल का उदाहरण लिया है तो उसकी संरचना में मुझे सारे के सारे सहसंयोजक बंध दिखाई देते हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई आयनिक बंध नहीं होता है। जब हम इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर भी ये आयनों में नहीं टूटता है, इसकी वजह से इसके जलीय विलयन में न तो आयन होते हैं और ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आयन और इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, और यही वजह से अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको इसमें लिखना है, और साथ में ये डायग्राम भी आपको जरूर बना